हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग जाने लगे थे अहमदाबाद, काफ़ी टाइम के बाद भी लोग बता रहे, कुछ 4 महीने बाद, कुछ बेजे वगैरह थे घर के कामों में, कुछ अपने काम थे, तो वही बस इधर से फ्यूल डलवा लिया। और ये हमारे सजल भाई, सजल भाई क्या हाल है ब्रदर, क्या हाल है आपका? बाकी आपको रास्ते में शॉर्ट्स वगैरह दिखाते रहेंगे, ठीक है? बाकी आपसे सर भाई, सफ़र कितना रह गया? घंटे एक का है सफ़र का, कुछ भी क्या घंटे एक का सफ़र है। अच्छा, तो जा किधर है? अहमदाबाद जा रहे हैं। जरा मैंने कहा एक टूर कर रहे हैं यार, खैर से बस ही यार, मैंने कहा जरा घूम के जाते हैं। अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं, चाचे का नाश्ता करने जा। अच्छा, नाश्ता करने जा स्पेशल, तो रोक्सी को साथ वैसे घुमाने फिराने के लिए। हाँ, मैंने कहा यार इंजॉय कर लेगी, पहाड़ी इलाका है जरा। चलो ठीक है, इसको भी साथ। जी जी रामेश भाई, कॉल पे वीडियो कॉल पे बात। और नहीं नहीं रामेश भाई, जट जिम्मेदार लोग हैं हम लोग, मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम बड़ा प्यारा हो गया है यार। अहमदाबाद में कोई कैफे शेफे देखते हैं तो फिर आपको बताते हैं, कैफे देखते हैं। मौसम देखें कितना प्यारा मौसम यार, नाइस वेदर बन चुका है इस टाइम। अभी हम हवेलियाँ इंटरचेंज से हम लोग जो है ना अभी उतरेंगे, ये नीचे करना प्रभात भाई जल्दी जरा, नहीं तो हम मोटरवे से उतरे। वो यार कमाल कमाल का यार व्यू है, ओ देखो भाई हवा कितनी तेज चल रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। और ये हम हवेलिया इंटरचेंज से जनाब उतर के, तो अब हम टूल टैक्स पे करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा बन रहा है जनाब। ये बड़ा हवेलियों वाला, हम बड़ी आगे चले गए थे गाइस, हम लोग ना बहुत आगे चले गए थे। प्रभात भाई को मैंने बोला हवेलियों से जो है ना हमने नीचे उतरना है, कहते हैं नहीं आगे बड़ा इंटरचेंज आएगा। ये तो जनाब मुझे गिलगित लेके जाने लगा था, ये तो हमें गिलगित पहुंचा देने लगा था। फिर वो एक टर्न आया तो मैंने देखा नहीं सजल भाई, तो आप ना बता दे, तो हम तो आगे गिलगित आज मास्टरमाइंड मैं हूँ, ठीक है। इसने फिर भी कहना था बोर्ड नहीं है, कहते जी बड़ा इंटरचेंज नहीं है यहाँ। देखें जी इंटरचेंज आपको दिखाते हैं, देखें जी। जी प्रवास भाई जी, देखें जी 130 गाइस, थैंक यू भी बोल दिया इन्होंने हमें, वाओ यार। हाँ जी रुक्षी, मौसम एंजॉय कर रहे हो आप? सजल भाई ऐसे ओ ये टूल टैक्स ज्यादा क्यों बताया फिर उन्होंने यार? वो हेल्पलाइन है उनकी 130 टूल 130 लिखा हुआ है यार वहाँ पे। देखो लो जी, हम पहुंचने वाले हैं नाश्ते वाली जगह पे, और मेरे ख्याल से हम पहुंच ही गए हैं चाचे के होटल पे जनाब। अंदर यही है तो ये देखें जी, ये हम लोग चाचे के होटल पे पहुंच गए हैं जनाब, बेहतरीन चाचे का जो चने है ना चाचे के जनाब, ये सामने होटल चाचे का आ गया जी। गाड़ी लगाओ प्रवास भाई पार्किंग में। चाचे के यार अगर चने ना तैयार हुए हुए तो मैं इधर से बहुत चने और रात को देंगे। इसको डिगी में रामेश भाई रखना है, रुक्षी को नहीं, नहीं रुक्षी को इधर ही अंदर ही छोड़ दे, अंदर ही छोड़ना है। मैं कहता हूं बाहर इसको एंजॉय करवाते हैं। चलें गाइस मिलते हैं आपको, नाश्ता दिखाते हैं आपको। हां जी जी, अभी हम बैठ गए हैं यहां पे। हां जी रामेश भाई क्या खाना है यार बताओ? वही चने वाले ले आए 3 पराठे कर दें देसी घी वाले, और 3 4 और 3 चने, ठीक है। साथ ही चाय मजे वाली जरा। अच्छा हमको सिखा रही है, ठीक है। हाँ जी रामेश भाई, वो चाचू बैठे हुए हैं काउंटर पे, और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये सामने अंदर रोक्सी भी है, और देखें ये लिशे भाई को सर्दी लग रही है। सजल भाई कैसा टूर रहा है आपका? यार बस का टूर इधर है बात सुन, बहुत सर्दी है,
इस व्यू के साथ सजल भाई नाश्ता करने का प्लान रॉक्सी अंदर पीछे ही है रामेश भाई आ रहे हैं वॉशरूम के। हाँ जी सजल भाई रामेश भाई को सर्दी लग रही है। सजल भाई ये क्या होगा एक प्लेट चने बोले हैं बड़े प्लेट आए हैं अब लेने गए हैं मेरे भाई ने बोला है जानने वाले हैं आज दफा उनसे नाश्ता। हाँ सजल भाई शुरू करो। सजल भाई ये स्पेशल चने को नाश्ता करने आप आते हो ना इतना सुकून डाडो मजो आया। ऋषि भाई जरा बता दो के नाश्ते के बाद आपको पता है हमें तो हर चीज मजे की लगती है चाचू के जो मैं तो लेके आया हूँ भाई जैकेट अपने पहाड़ों का। सजल भाई आप पहाड़ देख रहे हैं जी रामेश भाई बस नाश्ता कर लिया निकल रहे उसामा भाई के पास। अच्छा। उधर जाके आपको और भी अस्सी दिखाते हैं और उसामा भाई से भी मिलवाते हैं। उधर क्या देखना ये देखो रुक्सी को दिखाओ ये देखो अस्सी खड़ा है बोली कोर्ट में बंद करे सजल भाई डरते क्यों। लो जी फाइनली हम लोग उसामा भाई के पास पहुंचने वाले हैं ठीक है और करीब भी पहुंच गए और मुझे लग रहा है कि हम आगे आ गए हैं। प्रवास भाई ये वाला है यही है यही नहीं मुझे लग रहा है आगे आ गए नहीं 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 आगे तो जनाब अभी आपको पहाड़ियां दिखाऊं तो बड़ा खतरी रास्ता है। रोक्सी क्या कर रही हो हेलो करो सबको। रोक्सी को हम मिलवाने लेके आए हैं असली से। अच्छा अच्छा थाईलैंड से देखें जी बाहर देखें हम पहाड़ी इलाके में हैं अब्दाबाद तो बस मौसम सजल देखें मौसम तो जनाब आप सजल भाई ये व्यू देखें वहां सजल भाई जैकेट नहीं लेके आए इनको सर्दी लग रही है बस क्या करेगा ये हमें क्या पता था यहाँ पे बारिश होगी इस्लामाबाद में बहुत नेरी तूफान आया हुआ क्या बोला तूने ठीक है यार मुझे लगता है कि हम लोग आगे आ गए। नहीं वो देखो ना वो सामने गेट आपको नजर आया हाँ ये अपने फार्म हाउस का गेट है। हाँ। जो जिधर आप चौकीदारी करते थे जी जी गन आपको पकड़ाई होती थी गजब बेइज्जती है मैं तो आते बहुत काम ही है जी जी मैं गलत रास्ते से लेके आए गलत हम कभी नहीं लेके आए उतर जाओ आगे से यूटर्न लेके आए जनाब हम तो आपको दोजख का रास्ता भी सही बताएंगे नहीं नहीं जन्नत का बताओ तो फिर भी वो हम जन्नती है ही नहीं है जिधर हुरे मिले हमें नहीं यार हुरे तुम्हें तो हुरे मिल ही ना जाए मिल जाएंगे एक दिन आएगा तुम्हें उधर भी खजूरी मिलेगी फाइनली ठीक है थोड़ा सा आगे है बस। लो जी हम लोग पहुंच गए हैं ठीक है और अभी हम लोग लिफ्ट में बैठेंगे और ये देखें ये हम लोग सारे जो है ना
वो लिफ्ट में जाएंगे और वो सामने जाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये रॉक्सी देखे एक्साइटमेंट है, बहुत बहुत एक्साइटेड है ये रॉक्सी। चलो सजल भाई लिफ्ट, चलो वो आगे चलें भाई, चलो चलें, हम जा रहे हैं जनाब, ठीक है। और ये देखे जी आगे लिफ्ट हमारी, और ये देखे प्रवाज भाई, और यार ये तो गीती दिल्ली है। जल भाई क्या हो गया, सर्दी लग रही है। देखे जी, ओह माय गॉड, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इधर से नीचे देखो सर, ओह माय गॉड, भाई डर क्यों रहे हो यार, बहुत गहराई है भाई। नीचे से आज हमने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी है, हमने कहा चलो आज लिफ्ट के मजे लेते हैं, क्या बता दे। आ जाओ सजल भाई, किधर जा रहे हो भाग के? हाँ सजल भाई पैदल भी, मुझे तो सांस चढ़ गया, मैं पैदल भी सफर करना पड़ता है इधर, पर सजल भाई इधर का जो व्यू है ना, तो भाई इधर आओ ना सजल भाई, को व्यूवर्स के साथ को गपशप तो लगाओ। जी जी रमेश भाई, गपशप आपको पता है हम लगाते ही रहते हैं, अभी माजरा चाहते हैं कि हमने बहुत मंथ व्लॉग नहीं बनाया। लिशे भाई, उसामा भाई को फोन कर रहे हो? उसामा भाई का नंबर ही बंद है, घर का दरवाजा खटखटा ले। तो मैं माजरा चाह रहा था कि हम लोगों ने नहीं व्लॉग बनाए। सजल भाई क्या वजह, आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया इतनी देर से? यार मैं बहुत बिजी था, मैं जरा काम के सिलसिले में अमेरिका चला गया था। चल झूठा सजल भाई, आपकी शादी भी आ रही है, वो भी कुछ बताओ ना आगे। और वो तो रामेश भाई अगले मंथ में है, अगले महीने है शादी, नवंबर में है वो तो। दरअसल मैं अमेरिका चला गया था, ठीक है। अच्छा, बिजनेस मीटिंग थी मेरी कुछ। अच्छा अच्छा, जिसकी वजह से फिर आपने भी नहीं बनाए व्लॉग, ठीक है। आपको मैं इनकम भी बेचता रहा हूँ कि आप लोग व्लॉग बनाओ। You serious? अच्छा, वो बस यार ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। आज भाई एंड दे दो इनकम यार, ठीक है। अभी चीज़ ये सब भी जाना ना वापसी पे सजल भाई, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है। सजल भाई व्यू बढ़ा सकता है पीछे, अभी बनाएंगे तो यार मॉर्निंग वॉक हो रही है हमारी। यार लिफ्ट में भी आए हैं तो फिर भी हमारी वही हालत हो गई है। नीचे से आ जाते वो सही बात है, ताकि वो देखो हमने शेर पाला हुआ है, शेर जूम करके दिखाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सजल भाई ये लो ना, अब आपकी बारी है। लो जी फाइनली उसामा भाई आ गए, ठीक है। और उसामा भाई, उसामा भाई को हमने जगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम जाने लगे हैं जी नीचे, ये देखें रास्ता, देखें नीचे, इसको पकड़ना टाइट, बहुत डेंजरस रास्ता है। रोक्सी भी खुश हो गई है हरियाली देख के, ठीक है। तो पहाड़ी हम ऐसे जैसे दामने को चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, ये देखें सारा। रामेश भाई आप तो मुझे भूल ही गए हो, ये देखें ये सारा
जो है अभी आपको उसामा भाई के भी हस्की दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखें जी, उसामा भाई का डेरा आ गया। और ये देखें आप हर्ष भाई पीछे उधर, ये देखें वो देखें, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।